किया जाता है, लेकिन इस बार सबकी नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर इसलिए भी है क्योंकि तारीखों के ऐलान से ही पहले वहां पर रण शुरू हो चुका है। कई जगहों पर ऐसी जहां पर बीजेपी की रैली को, रथ यात्रा को इजाजत नहीं देना, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो तारीखों के बाद लागू होता है, लेकिन यहां पर तो तस्वीर अलग ही है। जी हाँ बिल्कुल, और चुनावी जो जो प्रिपरेशन है वो हम कह सकते हैं 6 महीने पहले शुरू हो गया था, दुर्गा पूजा से शुरू होके तब से चुनाव का जो कैंपेन है वो शुरू हो गया है। हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दुर्गा पूजा से जुड़ गए, ममता बनर्जी खुद कितने सारे दुर्गा पूजा में उन्होंने भाग लिया, तब से ये पहली बार है पश्चिम बंगाल के चुनाव में इतने पहले से ही दोनों ही जो पक्ष है, दोनों ही पार्टियां हैं वो मैदान में उतर चुकी है। और इस वक्त चुनाव ऐलान होने से पहले ही हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार पश्चिम बंगाल के दौरे में आ चुके हैं, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ममता तृणमूल के पक्ष से ममता बनर्जी खुद और अभिषेक बनर्जी विभिन्न जगहों पर रैली कर रहे हैं, रैली को संबोधन कर रहे हैं, रोड शो हो रहा है। तो आप कह सकते हैं पूरे दमखम के साथ दोनों ही पार्टियां जुड़ गई है ऐसे वक्त में जब चुनाव ऐलान नहीं हुआ है, और आज हो सकता है कि चुनाव का डेट ऐलान हो जाए। जैसे कि संजय जी खुद कह रहे थे कि इस बार लग रहा है कि 8 चरणों में चुनाव होगा, पिछली बार 7 चरणों में हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है वो चुनाव में हिंसा, चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा और किस तरह का सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम इलेक्शन कमीशन कर पाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच, सुनील अरोड़ा खुद पश्चिम बंगाल के दौरे में आए थे, उनके साथ साथ पूरा इलेक्शन कमीशन का बेंच आया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस सुपरिंटेंडेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। और कुछ दिन पहले आपको बता दे पश्चिम बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी सरकार ने ये आकलन करते हुए बहुत सारे ऐसे रदबदल भी किए थे पुलिस पोस्टिंग्स में, क्योंकि कोलकाता पुलिस के जो कमिश्नर हैं, विधाननगर जो क्षेत्र है उनके पुलिस कमिश्नर, आपका हावड़ा में पुलिस कमिश्नर, इन सब पुलिस कमिश्नरों को बदल दिया गया है। तो सबकी निगाहें अब उस चीज पर रहेगी कि जो नया पुलिस कमिश्नर इनको लाया गया है कोलकाता में, सोमेन मित्रा, और कुछ और पिछली बार जब चुनाव हुआ था तब भी राजीव कुमार जब कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे उनको हटा के इलेक्शन कमिश्नर ने ही सोमेन मित्रा को लाया था। तो इस बार शायद प्रीएम्प्ट करते हुए ममता सरकार ने खुद सोमेन मित्रा को लगा दिया है, अनुज शर्मा को हटा दिया है। क्या फिर से कोई रद्द बदल हो